हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू थिंग्स फर्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट ऑल द पोस्टर्स दैट हैव बीन टू है जो भी सारे पोस्टर्स रेफर किए गए और कितने पोस्ट रेफर किए गए वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द एफ का जो रिजल्ट है वो कब तक होगा सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट जो जेके पी एस आई का जो रिजल्ट है वो कब तक होगा लेट लेटस स्टार्ट फर्स्ट विद द ऑल द पोस्ट दैट हैव बीन है अगर ये आप नोटिफिकेशन आपने देखी होगी देखो इसमें पहले ही लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पोस्ट कितने हैं वन ट्वेंटी टू तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितने हैं वन ट्वेंटी टू पोस्ट है दूसरा अगर हम वहीं पे देखेंगे यहां पे अगर आप देखोगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ही अगर आप देखोगे कितने पोस्ट है फोर्टी फोर पोस्ट है ये नॉन गेजेड पोस्ट ऊपर भी नॉन गेजटेड ही थे सेकेंडली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरस्ट्री इकोलॉजी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे नाइन्टी टू पोस्ट ये रेफर किए गए किसको जेके एस एस बी को वहीं पे अगर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत जो कि सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है इसमें थर्टीन हंड्रेड नाइन्टी फाइव पोस्ट है किस में रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट में ना वहीं पे अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट है थर्टी एट पोस्ट है वहीं पे अगर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर गार्डनस एंड पार्कस की अगर हम बात करेंगे तो कितने पोस्ट है आठ नॉन गेजटेड पोस्ट जो कि आपको बताया सारे नॉन गेजटेड ही है इसमें वहीं पे कॉपरेटिव डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो कितने पोस्ट है ट्वेंटी नाइन पोस्ट है वहीं पे अगर हम बात करेंगे एनिमल एंड शीप हजबेंड्री डिपार्टमेंट इसके कितने पोस्ट है वन थर्टी सेवन पोस्ट है एनिमल एंड शीप हजबेंड्री डिपार्टमेंट के वहीं पे अगर हम बात करेंगे कल्चर डेवलपमेंट सॉरी कल्चर डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है इसके कितने पोस्ट है ट्वेंटी पोस्ट है वहीं पे, वही पे अगर हम बात करेंगे माइनिंग डिपार्टमेंट माइनिंग डिपार्टमेंट के कितने पोस्ट से सिक्सटीन पोस्ट से वहीं पे अगर हम बात करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कितने पोस्ट से सेवेंटी थ्री पोस्ट से वहीं पे अगर हम बात करेंगे किसके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आईडी के अगर हम बात करेंगे तो कितने पोस्ट से दो पोस्ट से इसके टूरिज्म डिपार्टमेंट के ट्वेंटी थ्री पोस्टस टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसके ट्वेंटी थ्री पोस्ट है ए आर आई एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के तीन पोस्ट्स है और जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है इसके कितने हैं ट्वेंटी फोर पोस्ट है नेक्स्ट इज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंड बेस्ट जो इसमें है दैट इज एट हंड्रेड ट्वेल्व पोस्ट है किसके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नेक्स्ट इज सिविल एवियशन डिपार्टमेंट जो है कैट जो है सिविल एवियशन डिपार्टमेंट इसके कितने पोस्ट है एट पोस्ट है और अगर हम देखेंगे आर एंड बी दैट इज पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट अगर हम देखेंगे इसके कितने पोस्ट है वन जीरो फोर फाइव पोस्ट टोटल पोस्ट वन जीरो फोर फाइव तो तीन बड़ी रिक्रूटमेंट आपने देखी इसमें वन जीरो फोर फाइव पोस्ट भी काफ़ी पोस्ट होते हैं और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो कि नेक्स्ट है इसमें फोर्टी टू पोस्ट है आईसीडी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट दीज आर द बी रेफर टू के एस एस बी जो आपने देखे होंगे और पोस्ट भी आपने सुने होंगे कितने इसके पोस्ट है देखो ये सारे जो पोस्ट है अगर आप इसको डिटेल पढ़ोगे इसमें लिखा है कि आपको जल्द इनको एडवर्टाइज करना है अगर हम बात करेंगे इनकी एडवर्टीज़मेंट की कब तक होगी इनकी इनकी एडवर्टीज़मेंट हम नेक्स्ट जो फोटीन डेज नेक्स्ट टू वीक्स जो आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम ऐसे बताएंगे कि जो थर्टी अप्रैल है थर्टी अप्रैल तक इसकी जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगी इन पोस्ट्स की और अगर हम रिजल्ट की देखो अगर इसको थर्टियथ तक लाना है थर्टीयथ तक लाना है थर्टी अप्रैल तक तो, तो रिजल्ट जो है एफ का जो रिजल्ट है और जेकेपीएसआई का देखो एफ में जो आप बता रहे हो इश्यू है कि वो क्वेश्चन का उसको उसमें ही इफेक्ट देंगे आप इफेक्ट ये भी हो सकता है ये भी ऑप्शन हो सकती है कि उसको ऑलरेडी उसी में इंक्लूड किया जाएगा रिजल्ट में ही ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है दूसरे की लाने की क्योंकि जो दूसरे की ला के वो हाँ वो तो वो रिजल्ट में भी कर सकते हैं वो चेंजेस जो कि इनको की जिस चीज़ के लिए इनको की लानी थी सेकेंडरी वाइज की ये तो डायरेक्ट रिजल्ट में भी उसका इफेक्ट मतलब दे सकते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है और जेके का रिजल्ट है पहले अगर हम देखेंगे पहले एफ का रिजल्ट आएगा बाद में जेके का रिजल्ट आएगा अब जो जेके पी एस सी के जेके को प्रोसेस जो होगा ना वो नेक्स्ट मंथ में होगा वो अब इस मंथ में कोई प्रोसेस इसकी नहीं होगी जेके पीएसआई की ये आपको याद रखना पड़ेगा तो ठीक ठाक टाइम मिलेगा आपको किसके लिए ठीक ठाक टाइम आपको मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए फ़िजिकल प्रिपेयर करने के लिए एट लीस्ट आप सिटल फोर्टी फाइव डेज़ देखोगे इसके किसके लिए फ़िजिकल के लिए ये या आप याद रखना आप फाइव डेज सिटिल आप देखोगे फिजिकल के लिए प्रिपेयर आराम से वहीं पे अगर हम एफए की बात अगर हम अब करेंगे जो एफए का रिजल्ट है ना ट्वेंटियथ से पहले पहले आप देखोगे ट्वेंटियथ अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं ट्वेंटियथ अप्रैल से पहले पहले आप इसका रिजल्ट देखोगे एट मैक्स इट कैन गो अपू ट्वेंटी फाइव